पिछली बार हमने देखी थी और सुनी थी ओ की कहानी, है ना? आपको पसंद आई थी ना ओ की कहानी। ओ अपनी मम्मी के साथ कैसे गार्डन में जाता है और देखता है ओस की बूंदे, है ना? अच्छी लगी थी ना। तो ये है हमारा स्वर ओ। स्वर ओ, ओ से क्या होता है? ओ से ओस। ये जो पत्तों पे दिख रहे हैं आपको पानी की बूंदे, इसको ओस बोलते हैं, ओस कहते हैं। ओ से ओस। ओ से ओखली। मसाला कूटते हैं, मम्मा इसमें मसाला कूटती है ना, अदरक भी कूटती है। ओ से ओखली। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओढ़नी यानी दुपट्टा। अब हम देखेंगे कि ओ कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों चलो, पहले हम नीली रेखा से शुरू करेंगे। यहाँ बनाएंगे आधा गोल, फिर एक और आधा गोल, एक छोटी सोती रेखा और दो खड़ी रेखा, ऐसे, और ऊपर एक टेढ़ी रेखा। ठीक है बच्चों, ऊपर एक टेढ़ी रेखा फिर से बनाएंगे। पहले एक आधा गोल, उससे जोड़कर दूसरा आधा गोल, एक छोटी सोती रेखा और दो खड़ी रेखा और एक टेढ़ी रेखा ऊपर। ओ, ये बन गया आपका ओ। आधा गोल, उससे जुड़कर एक और आधा गोल, सोती रेखा और दो बड़ी रेखा, खड़ी रेखा और एक टेढ़ी रेखा ऊपर। ये बन गया आपका ओ। ओ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए।